फातेपुर थानांतर्गत पेट्रोल पंप लूट की घटना में शामिल अवैध आग्नेयास्त्र के साथ किया गया गिरफ्तार। बीते दिनांक 8 अगस्त 2024 को रात्रि करीब 10:15 पर फातेपुर थानांतर्गत बाजितपुर पेट्रोल पंप के नोजलमैन से एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा करीब 41,000 रुपये लूट की घटना घटित हुई थी। उक्त गठित टीम के द्वारा छापेमारी के क्रम में फातेपुर थानांतर्गत नीरपुर छपकी पोखर के समीप ब्रह्मस्थान से घटना में शामिल अपराधकर्मी विजय कुमार को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था एवं अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में फातेपुर थाना द्वारा रमौली स्थित मन के समीप मोटरसाइकिल चेकिंग किया जा रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसमें भागने के क्रम में एक व्यक्ति मिथुन कुमार मोटरसाइकिल से गिर गया, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ाए व्यक्ति से तलाशी के क्रम में एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। फातेपुर में पेट्रोल पंप लूट की घटना 8/1 के मध्य 10:15 के लगभग हुई थी, जिसमें कि पुलिस द्वारा पूर्व में ही उद्भेदन किया जा चुका है। उसमें जो शामिल मुख्य अपराधकर्मी हैं उनकी आज गिरफ्तारी हुई है, जिनमें जिनका नाम मिथुन कुमार, पिता महेश सहनी है जो कि शाहपुर खुद कटहरा थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। इनका पूर्व का लंबा चौका आपराधिक इतिहास रहा है, आधा दर्जन से ज़्यादा इन पर केस पूर्व से भी लूट और आमसक के दर्ज हैं, लूट डकैती आमसक के दर्ज हैं। तो इस प्रकार से मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है। इसके पास से एक देसी कट्टा और एक गोली और लूटी गई राशि में से 2,000 रुपये बरामद किए गए। कुल इसमें 41,000 रुपये की लूट हुई थी, जिसमें कि पूर्व में गिरफ्तार अपराधकर्मी के पास से लगभग 5,200 रुपये बरामद हुए थे और एक अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार होने के लिए शेष है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया।